ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ ਬਾਜਨ ਅੰਦਰ ਸਾਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 23,000 ਜਮਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ 32,000 ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਰੋਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਆਪਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਯਾਰ ਮੈਂ 4 ਸੇ 5 ਦਿਨ ਗਾਇਬ ਹੂੰ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸੇ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਸੇ ਕਿਆ ਕਰ ਦਿਆ ਯਾਰ 4 ਸੇ 5 ਦਿਨ ਮੈਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਆ ਵਲੌਗ ਨਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਏ ਥੋੜਾ ਸਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰੂਟੀਨ ਥੀ ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ मैं जब वापस आया हूँ तो मेरा दिमाग हिल गया भाई। पहले तो देखें ये चाह रहा था बिजली के बिलों वाला एक केस चाह रहा था वाम के लिए, वो ही काफी था। यानी कि बिजली के आप लोग सब लोगों को पता होगा कि बिल बहुत ज्यादा आ रहे थे वाम, उस वजह से काफी ज्यादा परेशान थी, डिप्रेस थी। लेकिन अब मैं वापस आया तो मैंने देखा भाई ट्रांसजेंडर एक्ट बहुत नाजुक सूरत हाल है। मतलब कि क्या हो रहा है यार इस मुल्क में, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसमें ये सारा कुछ है। अच्छा पहले जब मैंने सुना मुझे किसी ने बताया भाई, मैंने समझा शायद ये मजाक कर रहे हैं या इस तरह की कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि दिमाग तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन जब मैंने माशाल्लाह न्यूज देखी और उस पर बता रहे थे, बड़ी अफसोस की बात है यार, हमारे मुल्क में अभी तक कोई ऐसा एहतजाज या अभी तक कोई ऐसा बात नहीं हुई यार। मैं हैरान हूं, मैं देख रहा था ट्रांसजेंडर जो हैं इवन लाहौर के अंदर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने कहा हम इस एक्ट को बिल्कुल नहीं मानते, ये एक्ट हमारे हक में नहीं है। और कोई बंदा बोलने के लिए तैयार नहीं, तो मेरा भी ये फर्ज बनता है, क्योंकि मुझे चाहे एक बंदा देख रहा है, 10 बंदे देख रहे हैं या जितने भी देख रहे हैं, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं भी अपना ये एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाऊँ कि यार नामंजूर नामंजूर बिल्कुल, ये हम अल्लाह ताला के निज़ाम उसके सिस्टम के बिल्कुल उस जात के सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं। और ये पता नहीं हमारा क्या बनेगा, हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आइंदा नुकसान, ये नहीं नुकसान की बात ये कि आइंदा आने वाली जो हमारी अगली नस्लें हैं वो, यानी कि कल को हमारा बेटा अगर नेल पॉलिश लगा के या मेहंदी लगा के हमारे सामने खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मैंने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया, तो हम क्या कर लेंगे, ये सोचने की बात है। और ये वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल, और यकीन करें मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पुरजोर मजम्मत करें जितनी आप कर सकते हैं। और हर इंसान छोटे से छोटे लेवल का, बड़े से बड़े लेवल का, जो जितनी हिम्मत रखता है वो उस लेवल तक आवाज़ ज़रूर उठाए, इस चीज़ की मजम्मत करें कि हम इस एक्ट को बिल्कुल भी नहीं तस्लीम करते। और खैर बिलों का जहाँ तक मामला है वो भी जाके थोड़ा सा बाहर आवाम की राय लेते हैं। मिर्ज़ा साहब ने भी मुझे बुलाया था, मिर्ज़ा साहब के पास भी जाएंगे, उनसे भी पूछेंगे कि बिल्स के बारे में वो क्या कहते हैं। और जोई साहब से भी मुलाकात नहीं, जोई साहब के पास भी जाएंगे, जोई साहब से पूछेंगे कि आप ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में क्या कहते हैं। तो फिलहाल चलते हैं। ये जी मिर्ज़ा साहब की हम दुकान पर हैं ना, स्पेशली मैंने अभी कहा कि अपना व्लॉग जो है बनाए, और व्लॉग में हमारी ये जो है ना तरकीब ये जी, देखो जरा साढ़े को छुरी भी कोनी बहन छुरी कोनी मिर्ज़ा साहब और बिल के बारे में आप अभी जो बता रहे थे वो भी छाट दो जी भाईजन, अंदर साने वाली गल है, पिछली बारी 23,000 जमा बिल आ गया, इस बारी 32,000 आ गया, असि की करिए दसो। हाँ बच्चों के दोनों की भी पारी जी हाँ, बच्चे जो हैं वो कहते हैं हमें ये ला के दें, ये ला के दें, हम कहाँ से ला के दें, देखे जरा हम सलाद कैसे काट रहे हैं, बस छुरी नहीं है, हम बच्चों को क्या चीज खिलाएं। आफ्टर सो लॉन्ग जी साहब को उठा के मैं लेके आ चुका हूँ, भाई जी साहब जो है ना वो नींद के मजे ले रहे थे रात को, देख रहे हैं आज मैं भी आ गया हूँ व्लॉग में। हाँ बड़ा शर्फ बख्शा मैंने इस बंदे को, कोई बात नहीं जी साहब, ये आपका थोड़ा सा बिजी हो रही है भी बंदा, थोड़ा देखो काम शाम थोड़ी सी यार रूटीन जो है ना वो थोड़ी सी रूटीन आगे पीछे हुई थी, सुस्त हो गए थे, लेकिन अब सर्दियाँ आ गई है ना, अब हम मारेंगे इंजॉय चिल बाहर आके, तो यार थोड़ी सी मादर व्लॉग जो है थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं। चौधरी जो है ना वो मुकम्मल ना तावन नहीं करता, ये बंदा तावन करे ना। हाँ जी बताएं बताएं आप बताएं, खेलने गए हाँ क्रिकेट कह रहे थे हम डेली जाएंगे, लेकिन उसके बाद उठे ही नहीं ना यार, उसके बाद उठे ही नहीं। और मैंने वो छक्का जो मारा था ना आखिरी, आप लोगों को याद होगा मेरा बहुत मशहूर हुआ, जैसे वो कौन सा छक्का मारा था, जावेद मियांदाद ने मारा था, जावेद शारजा स्टेडियम में, उसके बाद मेरा छक्का फेमस हुआ। तौबा तौबा तौबा, अभी फिलहाल मैं इस बंदे को लेकर बाहर आया हूँ, लेकिन अभी हम जा रहे हैं पाकिस्तान इंग्लैंड के मैचेस जा रहे हैं, यही देख रहा भाई तू हार्ट अटैक देना। हाँ चल तू बोल इधर आ जा, इधर आ जा, हाँ मतलब के 12 बॉलों पे 5 रन चाहिए थे और हम जीते हैं। और मैं देख रहा था गूगल पे लिखा हुआ था 99.5% ओ माय गॉड, नहीं नहीं मैं अपनी टीम के बारे में ये बात करना चाहूंगा कि हमारी टीम का कोई पता नहीं होता वो कब जो है खेल जाए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि हमारे जो बैट्समैन है वो 0 पे आउट हो जाते हैं और हमारे बॉलर जो है वो सेंचुरी भी कर जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है, शुरू जाए समझ जाए कि आप ही जीतेंगे, आप ही जीतेंगे बिल्कुल। यार ये कैमरे की लाइट जो पड़ी होती है ना उसकी वजह से ना आती जाती गाड़ियों का भी इतना नहीं पता लग रहा, तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। खैर फिलहाल जो है ना सर्दी थोड़ी थोड़ी शुरू होगी, रात को हम वापस निकल आए और चौधरी को मैं चाय पिलाने लेके जा रहा हूँ, अभी हम चलते हैं और हम आपको वहाँ पर जाकर मिलते हैं। अच्छा बोल वो भी हम चलते हैं और हम आपको वहाँ पर जाकर मिलते हैं, क्या बात है। हाँ
हाँ बोलो बोलो, दूसरी बातें करते हैं हम। नहीं नहीं आ जाए ना, चाय 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 चला। जरूरी बातें भी है ना आप साथ करनी। हाँ बोल ना, बोलता रहा साथ साथ इतने दिन, क्योंकि हम गायब रहे हैं। अच्छा नहीं नहीं बोल, ये हमारे टू वी लव बड़े भैया हैं। बड़े भैया क्या हाल है, खरे से हैं? आई लव यू बोल दें कैमरे। आए ला जी, दो कप चाय बना दें बेहतरीन सी। वो देखे ना पीछे लूडो शूडो चाह रही है, बड़ा माहौल बड़े भैया ने इधर बनाया होता है। VIP रौनक बेहतरीन है। चौधरी आ जाए बैठते, कुर्सी मेरे लिए आप ले आएंगे जी साहब? प्लीज़ एक काइंडली। ये देखे ना धूप ना रात को लगे, इसलिए इन्होंने छतरी लगाई हुई इधर। इस छतरी के नीचे मैं, इस छतर छाया के नीचे मैं बैठने लगा। खान साहब जी आप बहुत अखीरी ना चर्स वाली चाय बनाते हैं, यानी कि ना नशा है इनकी चाय में, जो इनके पास ना मिठाई चलाता है। फिर सब चेयर लेने गए हैं अपने लिए भी, क्योंकि ये एक पड़ी हुई थी और इस पर आके मैं बैठ गई। और पब्लिक जो है ना, देखे रात के भी टाइम ना आप यार काफ़ी रश हो गया, पहले इतना रश नहीं होता था इस हिसाब से। चौधरी साहब किधर गए? वो चौधरी साहब हमारे आ रहे हैं, ये अपनी चेयर उठा के ले आए। चौधरी साहब आए ना इधर, इधर बैठे हमारे सामने, हमारे सामने बैठे। आपको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं पेश आई कुर्सी उठाने में? अच्छा, और कैसा महसूस हो रहा आपको? बड़े भैया की खैर है, बड़े भैया अपना टू बिलाव ने। अभी हम यहाँ पर आ रहे हैं तकरीबन 2 साल हो गए ना। हाँ 2 साल हो गए। सर्दियों में रेगुलर आते थे हम, और मैंने बताया चरस वाली चाय है, बहुत नशा इस चाय में। मैं कहता हूँ आप भी अगर मलक वाला है तो ये जरूर पिए। चलें कौन नहीं, अभी अभी चाय आ लेना, फिर बनाते हैं आगे वीडियो, दिखाएंगे नए नए चाय। ले नहीं चाय आती चाहिए साहब के साथ ना, स्कैम हो गया। अपना हाथ ही खाएं, नहीं नहीं जैसे पंजाबी में बताए ना आप, क्यों इतनी ओखी आप उर्दू में? कुर्सी में रात साड़ गई सारा। चौधरी का जो हाथ है ना जाल, अभी भी तेरी चाय गिर रही है। चाय दिखाते हैं ना एक मिनट, ये देखें, ये अब चाय देख लें। आए हाय हाय, लेवल होता चाय का ना, लेवल है। नुकसान हो गया देखें बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं चाहिए सब, खैर होगी, क्यों परेशान होते हैं आप? ज्यादा लगी तो नहीं, याद दिखा नहीं, खैर है ना पी लेना। तो कौन सा ट्यूब पड़ी हुई जो तूने लगा लेनी है? हाथ होने जा रहे हैं। वाह कितनी खूबसूरत जगह पे चाय रखी, साफ सुथरी जगह पे। इस बंदे को मैं कहता हूँ कि ध्यान से काम किया कर, ये नुकसान होता है इसका ध्यान होता नहीं। सड़क पे बैठ के ना वीडियो बनाना थोड़ा सा यानी कि अजीब होता है, लेकिन यार जब बंदा ये काम कर रहा तो थोड़ा सा फोकस अपने ऊपर भी रखना आता है। और मौसम है चाय, सही बात है, क्या मैं आप लोगों को बताऊँ, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। कोई हॉस्टल नहीं। अच्छा अच्छा, फिर चाहिए सब बहुत खूबसूरत की बात बता रहे हैं। मैं आगे चाहिए सब क्या हुआ यार, देखे ना सारी बातें कैमरे के आगे नहीं करने वाली होती। हाँ। लेकिन यार अगर तू बोलता ना, मजा बढ़ाना था। चाहिए बता हाथ तेरा कैसा है? पहले से ठीक है? हैं बड़ेर से बात पूछ रहे हैं तेरे से। हाँ ध्यान से चाहिए सब क्या करें ना, प्लीज अपना ख्याल रखा करें। मुझे आपका बड़ा ख्याल, आपको पता ना एक्ट पास हुआ है, मुझे आपकी बड़ी फिक्र होती है। बिल्कुल बहुत, मैं कहता हूँ बेआई है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि इधर देख के कहें ना, ऑडियंस की आंखों में आंखें डाल के बात करें। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि इसको खत्म होना चाहिए। देखिए जो बात आपके, आपका दीन आपको जिस बात की इजाजत नहीं दे रहा, जिस काम की, आप वो क्यों करें? और हाँ। दूसरी बात चेस साहब ना थोड़े जज्बाती हो गए, और जज्बाती होना बनता भी है यार। चलें जल्दी जल्दी से यहाँ से पाए। अगर कोई होता है ना बंदा, उसकी बाद में डेथ होती है, तो 3 दिन के बाद अल्लाह ताला उसको हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम है उसके अंदर, मतलब कब्र से आप बेशक उस बंदे को देख ले, गायब हो जाता है। अच्छा और ये पूरा वाकया भी है, मैं आपको बाद में डिटेल में सुनाऊंगा। चलें फिलहाल आप चाय पिए ना, चाय पिए खत्म करें, फिर हम देखना आपने सारी नीचे वीट दी है चाय। ओ माई गॉड, चलें जल्दी से पिए ना, फिर हम घर चलते हैं वापस। यार इस बंदे से ना रिक्वेस्ट कर दो कि जल्दी जल्दी ना खत्म कर दे। होगी क्या, वाह कमाल हो गया यार। मैं इस बंदे का ना कोई आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ, उसने एक कप ना चाय कर, आप जल्दी नहीं पी सकते। अच्छा क्यों, चाय को क्या है? आराम आराम से मजे ले। अच्छा चलो मोटरसाइकिल निकालने चलते हैं वापस। ये वापस ले, वो ले लेंगे, रख दें आप, ले लेंगे ले लेंगे वो। चलो जी देने चला गया, चलो यार चलते हैं वापस। नहीं नहीं कुछ बोल दें, जाते जाते हमें कारण है कि कोई फोन से की बस यही पैगाम है, गहरी बातें। चलें खुदा हाफिज़, बाय बाय। लो जी चाय शाय अपनी डान हो गई, चौधरी साहब के साथ मुजाकरात भी हो गए, चौधरी साहब की भी राय आपने सुनी कि उन्होंने भी बताया कि ट्रांसजेंडर एक्ट के बारे में उन्होंने अपनी राय दी है, मैंने अपनी राय दी है। तो किसी भी सूरत में ये एक्ट हमें मंजूर नहीं है। आप लोग भी प्लीज़ थोड़ी सी कोशिश करें, सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, जहाँ मुमकिन आपसे होता है आप इसकी पर जोर मजम्मत करें। और मेरे में फिलहाल थोड़ी एनर्जी आ गई क्योंकि अभी मैंने चाय पी है, चाय बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, दिमाग हिला के रख देती है। खान साहब की चाय है ही बड़ी कमाल की। मैं ये कहता हूँ इस वीडियो के साथ आपको फजा आपसे चाहेगा इजाज़त, कल मैं
आपको लोगों के लिए लेके आऊंगा एक और नई वीडियो के नए ब्लॉग। फिलहाल आप अपने फाजे को दें इजाजत, फाजा था फरार, मिलता है आप लोगों का एक नई वीडियो के साथ।